प्राचीन हिंदू इतिहास और पुराणों के अनुसार ऐसे सात व्यक्ति हैं जो चिरंजीवी हैं। यह सब किसी न किसी वचन, नियम या शाप से बंधे हुए हैं। यह सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही गई है, वे सारी शक्तियाँ इनमें विद्यमान हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इन्हें सात जीवित महामानव कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इनका प्रातः स्मरण करने से मनुष्य दीर्घायु और निरोग रहता है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानाश्च विभीषणः कृपः परशुरामाश्च सप्तेते चिरंजीविनः। इसका यह मतलब है कि अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम, ये सात चिरंजीवी हैं जिनका स्मरण सुबह सुबह करने से सारी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं और मनुष्य 100 वर्ष की आयु को प्राप्त होता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हर रोज इन सात अमर लोगों के नाम ले तो उसकी आयु लंबी होगी। आइए जानते हैं इन सात अद्भुत और अजर अमर चिरंजीवियों के बारे में। हनुमान जी। कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने गए हैं। हनुमान जी इन अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं। सीता माता ने हनुमान जी को लंका की अशोक वाटिका में श्री राम का संदेश सुनाने के बाद आशीर्वाद दिया कि वे अजर अमर रहेंगे। उन्हें वरदान मिला है कि उन्हें ना कभी मौत आएगी और ना कभी बुढ़ापा। इस कारण भगवान हनुमान को हमेशा अक्षय शक्ति का स्रोत माना गया है, क्योंकि वे चिर युवा हैं। हनुमान जी का विवरण महाभारत काल में द्वापर युग में होता है और साथ ही साथ कलयुग में भी हनुमान जी के दर्शन होने की कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। कृपाचार्य। महाभारत के अनुसार कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुलगुरु थे। कृपाचार्य गौतम ऋषि पुत्र हैं और इनकी बहन का नाम कृपि है। कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा हैं। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने पांडवों के विरुद्ध कौरवों का साथ दिया। अश्वत्थामा। ग्रंथों में भगवान शंकर के अनेक अवतारों का विवरण मिलता है। उनमें से एक अवतार ऐसा भी है जो आज भी पृथ्वी पर अपनी मुक्ति के लिए भटक रहा है। यह अवतार है गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा का। द्वापर में जब कौरव व पांडवों में युद्ध हुआ तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के सम्मिलित अंशावतार थे। अश्वत्थामा अत्यंत शूरवीर, प्रचंड, क्रोधी स्वभाव के योद्धा थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण ने ही अश्वत्थामा को चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया। विभीषण। राक्षस राज रावण के छोटे भाई विभीषण श्री राम के अनन्य भक्त हैं। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तब विभीषण ने रावण को श्री राम से शत्रुता न करने के लिए बहुत समझाया। इस बात पर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया। विभीषण श्री राम की सेना में चले गए और रावण के अधर्म को मिटाने में धर्म का साथ दिया। तब श्री राम ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। राजा बलि। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। बलि ने भगवान विष्णु के वामन अवतार को अपना सब कुछ दान कर दिया। इसी कारण उन्हें महादानी के रूप में जाना जाता है। नियम से बंधे होने की वजह से राजा बलि को अमरता प्राप्त है। ऋषि व्यास। ऋषि व्यास सप्त चिरंजीवियों में से हैं और इन्होंने ही चारों वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया। साथ ही इन्होंने ही 18 पुराणों की रचना भी की। महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता की रचना भी वेदव्यास द्वारा ही की गई है। भगवान परशुराम।
भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदाग्नि और माता रेणुका थी। इनका जन्म हिंदी पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ, इसलिए वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। परशुराम का जन्म समय सतयुग और त्रेता के संधिकाल में माना जाता है। परशुराम का विवरण त्रेता और द्वापर में भी मिलता है। परशुराम का प्रारंभिक नाम राम था। राम ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया और इन्हें भी अमर होने का वरदान मिला। तो ये थे 7 चिरंजीवी जो कि माना जाता है आज भी इस पृथ्वी पर जीवित हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।